नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये जो मोटर है ये इस तरीके से पूरी तरीके से पैक है ना, इसमें आपको आगे दिखाई दे रहा होगा खोलने का जुगाड़, ना पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, ये तो हमने खोल दिए, इसका स्टेटर ये निकला है, और ये अब हमारे पास दूसरी मोटर है। तो ये जो मोटर है, मैं आपको पहले मोटर बता देता हूँ किस चीज़ की। ये जो मोटर है सिलाई मशीन की मोटर है, तो जो कट्टे वगैरह सिलते हैं, देखिए मैं कट्टा दिखा देता हूँ अभी, ये ऐसे वाले कट्टे जो होते हैं, इसकी सिलाई की मशीन है, तो काफ़ी बड़ी मशीन है। तो ये इसकी मैं बाइंडिंग करके बताऊंगा किस तरीके से होती है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको खोल के बताऊंगा कि ये खुलती कैसे है। तो देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे भी इसको खोलने का सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा होगा, ना आगे पेच है और ये देखिए ना पीछे पेच है। तो ये नट दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये नट खोलना है और इसमें फिर ये पुली हटानी है, और इसके बाद यहाँ पर ये पेच है, ये पेच खोल लें, और इसके बाद जो ये रोटर है इसमें स्टेटर, ये यहाँ पर फंसा हुआ है। तो जैसे तूफानी पंखे से मोटर निकालते हैं ना शाफ्ट से ठोककर, उसी तरीके से इसमें यहाँ शाफ्ट लगा के और ये मोटर बाहर निकल आएगी। तो किस तरीके से निकलेगी मैं अभी आपको बारीकी से दिखाता हूँ, फिर इसका डाटा बताऊँगा और किस तरीके से आप इसको बाइंडिंग कर सकते हैं पूरा तरीका बताऊँगा। तो चलिए पहले मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस पर निशान लगे हुए हैं बोल्ट पे, जिस तरीके से उन्होंने खोला उसी तरीके से हम इसको खोलना है। जैसे ही आप इस पर चोट मारोगे तो ये खुल जाएगा। नैनी चूड़ी का ये डिग्री है, इसमें नैनी चूड़ी के ही नट हैं। तो इस तरीके से ये हमने खोल लिया है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये जो व्हील है ये हटाना पड़ेगा। तो ये जो मोटर दोस्तों किस तरीके से काम करती है, मैंने कभी देखी नहीं है चलती हुई, लेकिन इसकी बाइंडिंग करके मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से नंबर का गेज निकलेगा, कौन सा मैं डालूंगा, सारी चीज़ बताऊंगा। अब इसके बाद ये व्हील हटा लेंगे हम, इसके नीचे एक चाबी निकलेगी, ये देखिए ये रही चाबी, इसको भी संभाल के रख लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों क्या करना है, इसको खोलने के लिए हमें एक दो और ये तीन बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, इनको खोलेंगे। तो इनको खोलने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका जो स्टेटर है वो किस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये तीन बोल्ट हमें खोलने पड़ेंगे, इनको मैं आसानी से खोल के और संभाल के रख लूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका रोटर और स्टेटर निकाल के दिखाऊंगा, फिर इसकी बाइंडिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों ये बोल्ट खोल रहे हैं तब तक। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके तीनों बोल्ट खोल दिए हैं, एक दो तीन खोल दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, पीछे जो इसके शाफ्ट है इसमें हम चोट मारेंगे हथौड़ा लेके और शाफ्ट लेके, और धीरे धीरे ये निकल जाएगी। देखिए निकल गई आसानी से, ये देखिए ये निकल गई। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें ये स्टेटर जो इसमें लगा हुआ है इसमें बाइंडिंग हो रही है, ये इसमें बाइंड होगा नहीं, पीछे भी कोई हिस्सा नहीं है इसमें निकल जाए। देखिए यहाँ से कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे तूफानी पंखा होता है या मदानी वगैरह होती है उसी तरीके से यहाँ पे शाफ्ट लगाएंगे और पीछे से चोट मारेंगे तो ये इधर की तरफ निकल जाएगा। तो आगे की तरफ इसको निकाल लेंगे, उल्टा कर लो इसको ऐसे, अब यहाँ से नीचे की तरफ निकाल लेंगे। तो इसका स्टेटर इस तरीके से निकल आएगा, जो हमने पहले मोटर खोली है उस पर बन डाल दिया है, और इस पर जो हम इस स्टेटर को निकालने हैं इस पर टू डाल देंगे। दोस्तों हम जब भी मोटर बाइंडिंग करते हैं तो उसमें निशान वगैरह जरूर डाल के करते हैं, इससे क्या होता है कि हमें मतलब आसानी हो जाती है काम करने में, दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों मैं इस स्टेटर को निकाल रहा हूँ, इन दोनों को काट के, इन दोनों का गेज करके, और इसकी बाइंडिंग देखिए 2800 RPM हो रही है। इधर से दिखाता हूँ मैं अभी आपको, एक कॉल ये है इसके सामने ये है, और एक कॉल ये है इसके सामने ये है, तो 2800 RPM हो रही है। तो मैं इसको काट लेता हूँ और काट के आपको डाटा बताता हूँ कॉपी पे लेके। ओके दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों दोनों स्टेटरों को मैंने बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद देखिए मैं आपको इसको घिस के दिखा रहा हूँ। तो दोनों की जो बाइंडिंग हो रही है दोस्तों वो एल्यूमिनियम में हो रही है। तो दोस्तों हम इसको एल्यूमिनियम ही बाइंडिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टेटर में पहला सेट डाल दिया है, जो मैंने सेट बनाया है दोस्तों वो 4 के सेट में बनाया है। जो इसमें सबसे पहले कॉल डाली है उसमें टर्न कम है, और बाकी की जो कॉल डाली है उसमें पूरे टर्न है। तो ये पूरा सेट डालने के बाद देखिए दोस्तों, मैंने इसके जो कनेक्शन किए हैं वो एंड से एंड कर दिए हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं स्टार्टिंग की बाइंडिंग डालूंगा। तो स्टार्टिंग की बाइंडिंग डालने के लिए दोस्तों क्या किया जाएगा, इसको जो एक सबसे पहले 1 से 4 में जो सेट डाला है उसका एक पेपर निकाल के उसके ऊपर कॉल डालना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से। देखिए मैंने पहला सेट डाल दिया है, यहाँ कॉल डाल दिए, इसके बाद काली सीट लगा के डालिए, इसके बाद दूसरा कॉल डालेंगे, तीसरा, इस तरीके से एक सेट डल जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो बाइंडिंग हो रही है वो 2800 RPM में हो रही है, यानी कि जो मोटर है हमारी स्टेटर जिसको हम बाइंड कर रहे हैं ये 2800 RPM में। तो दोस्तों इसमें बाइंडिंग करते समय जो मैं कॉल डाल रहा हूँ उसमें जगह काफ़ी है, ऐसा नहीं कि इसमें कॉल ज़्यादा टाइट आ रही हैं, आसानी से आ रही हैं। पहले जो टर्न लगे हुए थे दोस्तों उससे हमने काफ़ी 2-3 टर्न बढ़ा के दिए हैं, कम नहीं दिए हैं। तो दोस्तों जब इसकी बाइंडिंग को मैंने बाहर निकाला था स्टेटर को, तो इसकी जो पीछे का हिस्सा है कनेक्शन साइड थी, तो वो पीछे वाली जो दीवार है उसकी मोटर की उससे टच हो रही थी, कॉटन टेप लगा हुआ था इस पर पहले। तो मैंने इसकी कॉइल जो है एकदम फिक्स बनाई है जेन्युइन तरीके से,
तो इसलिए दोस्तों अब ये टकराएगी नहीं, मैंने छोटी बनाई है कॉल, तो जो पीछे है टकराएगी नहीं। तो इसलिए दोस्तों इस कॉल को डालने के बाद मैं आपको इसका गेज बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें जो गेज निकला था वो 22 नंबर सिंगल गेज निकला था रनिंग में, और 23 नंबर निकला था स्टार्टिंग में। तो 22 नंबर जो गेज था दोस्तों, मैंने 22 नंबर गेज था नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको डबल कर दिया है। तो दोस्तों कौन से तार से डबल किया है वो सारी चीज़ मैं आपको अभी डाटा में बताऊँगा, और इसका पूरा डाटा आपको बता दूंगा, इसमें कितने नंबर का कंडेंसर, कौन सी बैरिंग लगी हुई है, वो सारी चीज़ बता दूंगा। बस इसको थोड़ा सा एक कॉल डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, और इसके बाद दोस्तों इनको मैं पूरी तरीके से सेपरेटर लगा के बांध दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये देखिए हमारी कॉल डल चुकी है, अब इसको मैं सेटिंग कर देता हूँ। सेटिंग करने के बाद आपको बताऊँगा कि आप अगली कॉल किस तरीके से डाल सकते हो और इसका पूरा डाटा क्या है। तो सबसे पहले पीछे से सेटिंग करते हैं। पीछे से सेटिंग करने के बाद देखिए दोस्तों इस तरीके से सेटिंग हो गई, बहुत ही स्मूथ तरीके से कॉल आई है। और इसी तरीके से आगे से इसकी सेटिंग कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों ये आगे से सेटिंग हो गई है। अब जब हम इसके सामने वाली जो कॉल डालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो जगह दिखाई दे रही है, आप चाहो तो इस मैं जो सीट डाल रहा हूँ इस जगह, ये कागज़ वाली सीट है, आप चाहो तो प्लास्टिक की भी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक वाली जो सीट है, जब हम उसको चाकू टेस्टर पेचकस किसी से भी दबाएंगे तो वो दबती नहीं है, उछल जाती है ऊपर की तरफ। लेकिन ये वाली जो सीट है, मैंने काली सीट डाली है, ये उछलेगी नहीं। देखिए मैं इसको दबा रहा हूँ आपके सामने, तो नीचे की तरफ जैसे जहाँ पे छोड़ दूंगा वहीं पे दबी रहेगी, तो दबी रहेगी। तो दोस्तों जब इसके ऊपर जो बाइंडिंग आएगी कॉल वाली, अगली कॉल की जो मैं डालूंगा इसमें, तो वो आसानी से चली जाएगी, उछलेगी नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉल डाल सकते हो सेपरेटर लगा के, और यहाँ पर अगली कॉल डल जाएगी इस तरीके से जो हमने डाली है। तो अब चलिए देखिए दोस्तों हमने इसको सेपरेटर लगा के दोनों तरफ से बांध दिया है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस पर मैं आपको कॉटन टेप लगा के और बांध के फिट कर देता हूँ। इस तरीके से जो पहले कॉटन टेप लगा हुआ था उसी तरीके से दोनों साइड से बांध देता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, इसका मैं आपको डाटा बता देता हूँ किस तरीके से आपको बाइंडिंग करना है। तो देखिए दोस्तों हमने ये दोनों जो मोटर हैं पूरी तरीके से बाइंड कर दिए हैं। अब इसमें खाली सेटिंग करके और पेपर दबाने का काम रह गया, और इस पर बार्निश डालने का काम। तो दोस्तों ये सूख जाएंगी, बार्निश डाल दूंगा तब इस पर। अब थोड़ी सी इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें मैंने कौन सा गेज डाला और कौन सा गेज निकला। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो लिखा है इस पर लिख दिया सिलाई मोटर सिंगल फेस। तो ये जो मोटर है दोस्तों, ये जो कट्टे होते हैं ना, जो प्लास्टिक वाले जिसमें चीनी बूरा रख के आता है चावल वगैरह, तो वो कट्टे सिलने का काम करती है ये मोटर। तो यहाँ पर मैंने सिलाई मोटर लिख दिया, और ये जो मोटर है दोस्तों ये सिंगल फेस है। यहाँ पर मैंने रनिंग वाइंडिंग लिख दिया, यहाँ पर स्टार्टिंग। तो इसमें जो गेज निकला था दोस्तों वो सिंगल था 22 नंबर, और स्टार्टिंग में जो गेज निकला था वो निकला था 23 नंबर, और इसमें जो पिच थे 1 से 6, यानी कि बीच में 4 छूट रहे थे, 8, 10, 12। 1 से 6 में जो टर्न थे वो 28 थे, और जो 8 में टर्न थे वो 50 थे, 10 में जो टर्न थे 55, और जो 12 में टर्न थे वो भी 55। तो इस तरीके से इसमें टर्न थे। और दोस्तों इसका वजन मैंने कॉइल को तोला नहीं, लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा, जब पूरी वाइंडिंग हो गई उसके बाद ध्यान आया कि मैं वजन नहीं लिखवाया। इसके जो कनेक्शन थे दोस्तों 2800 RPM में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2800 RPM। तो एंड टू एंड है, और जो स्टार्टिंग में गेज निकले से, इसमें भी दोस्तों जो पिच थे 3 का सेट था, 1 से 8, बीच में 6 छूट रहे थे, 10, 12। और जो 1 से 8 है ये वाला जो पिच है, इसके ऊपर आएगा 1 से 6 वाले के ऊपर, और 10 वाला खाली आएगा और 12 वाला खाली आएगा। तो जो 10 वाले में टर्न थे वो 65 दे दिए, और जो 12 वाले में टर्न थे वो 70 दे दिए। तो देखिए दोस्तों अब क्या किया मैंने, इसमें गेज चेंज कर दिया है, जो 22 नंबर गेज है वो मैंने नहीं डाला है। अगर दोस्तों मैं 22 मैंने कौन सा गेज डाला है इसमें, देखिए मैंने गेज चेंज कर दिया है, इन दोनों मोटरों में अलग अलग गेज डाला है। यहाँ पर 25 और 26 को मिला के बनाएंगे तो वो 22 नंबर गेज बनेगा। तो देखिए मैंने कितने टर्न दिए हैं, 60, 60, 55, 30। देखिए यहाँ पर टर्न निकले थे 55, 55, 50, 28, तो मैंने यहाँ पर 60, 60, 55, 30 कर दिए। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे जब 22 नंबर गेज निकला है तो इसमें इतने टर्न कैसे आ गए, 55 की जगह 5 टर्न फालतू कैसे आ गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब मैं इसमें मोटा तार डालूंगा तो इसके जो मोटा तार हम जब कभी भी डालते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक जगह नहीं बचती है। तो जब ये 25-26 पतला तार हो गया तो इसमें 5-10 टन की अपने आप गुंजाइश हो जाती है, जगह बन जाती है, इस वजह से जगह बन गई, इस वजह से मैंने इसमें ये 5-5 टन फालतू दे दिए। अच्छा, ये 25 और 26 मिला के 22 बना है, और देखिए यहाँ पे मैंने टन दिए हैं 55, 55, 50 और 30। इसमें जो मैंने गेज डाला है 25 प्लस 25, इन दोनों को मिला के 22.25 होता है, यानी कि 22 नंबर से थोड़ा सा एक पॉइंट
मोटा ही हो जाता है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से इसमें गेज चेंज कर दिया है और अब मैं इनकी फिटिंग कर दूंगा। इसके बाद दोनों के एम्पियर चेक करूंगा बाइंड फिटिंग करने के बाद कितने इसमें एम्पियर निकले और क्या अंतर आया मेरी बाइंडिंग का। तो मैंने बाइस सिंगल बाइस की जगह इस तरीके से इसमें डबल तार करके डाल दिया, इस तरीके से मैंने बाइंडिंग की है। अब दोस्तों जिस तरीके से मैंने इसको खोला है उसी तरीके से इसको फिट कर दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।